हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम परफेक्ट इडली डोसा या उत्तपम का बैटर बनाएंगे। उसी बैटर से हम जालीदार सॉफ्ट और स्पॉन्जी उत्तपम बनाएंगे। बैटर सही से बना हो तो ही इडली उत्तपम या डोसा परफेक्ट बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 कटोरी चावल लेंगे। चावल हमें अच्छी क्वालिटी का नहीं लेना है। मार्केट में जो भी सबसे सस्ता चावल आता है वही चावल हमें यूज़ करना है, या फिर मार्केट में साउथ इंडियन डिश के लिए बॉयल राइस मिलता है, हम उसे लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी धुली उड़द की दाल, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मेथी दाना। अब हम इसे 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे। तो 3 से 4 बार दाल और चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे 6 से 7 घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। 6 से 7 घंटे बाद दाल और चावल अच्छे से फूलकर तैयार है। तो अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसे पीसेंगे। तो पहले हमें इसे बिना पानी के पीसना है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से पीसकर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमें इस प्रकार का स्मूथ बैटर तैयार करना है। इसी प्रकार से हम सारे दाल चावल को पीसकर तैयार कर लेंगे। सभी दाल चावल को पीसकर हमने बैटर बना लिया है। अब हम इसे फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे। हमें इसमें अभी नमक नहीं डालना है। अभी नमक डाला तो खमीर अच्छे से नहीं उठेगा, तो हम इसे ढककर ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे। तो आप जिस भी बर्तन में रखें, बर्तन इतना खाली होना चाहिए। अब मैं इसे बंद माइक्रोवेव के अंदर रखूंगी। आप चाहे तो किसी भी नेपकिन से ढककर इसे प्लेटफॉर्म पर भी रख सकते हैं, या फिर किसी भी बड़े बर्तन से इसे ढककर रखें। रात भर के बाद आप देख सकते हैं कि बैटर ऊपर तक आ गया है। इसमें बहुत ही अच्छे से खमीर उठा है। अब हम इस बैटर से उत्तपम बनाएंगे। तो हमें जितने उत्तपम बनाना है उस हिसाब से बैटर हम दूसरे बाउल में लेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इस प्रकार की रखनी है, ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। जब हम कड़छी में लेकर डालें तो ये आसानी से नीचे गिर जाए। तो बैटर बनकर तैयार है। तो अब हम उत्तपम बनाएंगे। अब हम गैस ऑन करके पैन को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इस पर 1/2 कप बैटर डालकर इसे फैला देंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है। अब हम इस पर बारीक कटे हुए प्याज, थोड़ा सा टमाटर, 2 से 3 टुकड़े हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर जब तक सेकेंगे जब तक कि ऊपर से ड्राई नहीं हो जाता। तो जैसे ही ये ऊपर से ड्राई होगा तो हम इसे पलट देंगे। इसे सीखने में बहुत ही कम समय लगता है। और आप चाहें तो इसमें दोनों साइड थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा सकते हैं, पर हम इसमें बिल्कुल भी ऑयल का यूज नहीं करेंगे। तो उत्तपम को हमने दोनों साइड से सेक लिया है, तो इसे हम निकालेंगे। और आप देख सकते हैं कि उत्तपम बहुत ही जालीदार, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। इसी प्रकार से अब हम दूसरा उत्तपम बनाएंगे। सारे उत्तपम बनकर तैयार है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। तो आप इसे रेड चटनी के साथ सर्व करें, और रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप रेसिपी जाकर देख सकते हैं। तो सारे उत्तपम जालीदार, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।